हेलो दोस्तों, द हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं डॉक्टर मदन गुलाटी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सबको ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि हम आराम से बैठकर काम करने वाली ज़्यादा हमारी जॉब्स हैं। तो उसके लिए आज हम एक डाइट मैनेजमेंट लेकर आए हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब हमें आगे बताएंगे। तो डॉक्टर गुलाटी, आपका स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया जी। तो डॉक्टर गुलाटी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस है क्या, और ये कौन सी होती हैं और क्यों होती हैं? हाँ, बड़ा सुंदर सवाल आपने किया आशीष जी। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो युग है ये विज्ञान का युग है, साइंस का युग है। साइंस टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ गई है, हमारा रहना सहना, हमारा खान पान, हमारी सोच, हमारे विचार सब दूषित हो गया है। तो आज जो है ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज हमें फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रोल लोगों के बढ़े हुए हैं, ओबेसिटी इज द रूट कॉज, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम डे बाई डे हम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो है श्रोताओं को ये बताएं कि क्या खाएं और क्यों खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। आज हमारा यही मेन इशू रहेगा कि हम ये मैसेज अपने श्रोताओं को देंगे कि भाई हमारा जो है दिनचर्या हेल्दी रखने के लिए आज के युग में, देखो दो ही कारण है सब बीमारियां जो आज के युग में आ रही हैं, एक तो हमारा जो है दूषित हमारा आहार विहार है, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, है ना, उसका कारण केवल हमारा आहार ही नहीं है, हमारा जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हमारी एक्सरसाइज की कमी हो गई है, और हमारी जो सोच है वो बड़ी गलत हो गई है। तो हमारी नेगेटिव सोच से और वेस्ट थॉट्स की जब हमारी कमुलेशन हो जाती है, तो हमें जो है ये स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां जो है वो भी बहुत सारी आ रही है। आज इवन डिप्रेशन देख रहे हैं हम, इतना ज़्यादा लोग डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं। ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में भी हो रहा है, वो उनका जैसे कहते हैं दिल टूट जाता है उनका, तो वो जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन जो है ये भी एक बड़ा भारी मतलब समस्या हमारे है, जो कि हम समझते हैं कि अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल हो, डाइट हमारी ठीक हो, हमारा दिन से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या है तो वो हमारी अगर ठीक है तो हम जो है अपने इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो डाइट को अगर हम थोड़ा सा ले लें, तो मेन रूप से हमारी जो डाइट है, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारे आयुर्वेद में तो कहते हैं कि षड रस प्रधान भोजन करना चाहिए, कि मधुर रस, लवण रस, अमर रस, कटु, तिक्त, कषाय सारे खाने चाहिए। परंतु जो अगर हम थोड़ा सा और एनालाइज डिटेल में जाते हैं, तो हम कहते हैं कि डाइट हमारी जो है वो दो मेन भागों में बांटते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारे फैट, ठीक है, और इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिंस आ जाती हैं और मिनरल्स आ जाते हैं। अब इनकी सारी सभी की इंपॉर्टेंस है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी जैसे हम ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज बनना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अगर हम ज़्यादा मात्रा में हम ले लें, ठीक है ना, तो आज हम शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम जो है हमारे इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ऐसे जो भोजन, कार्बोहाइड्रेट्स भी एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हम उन चीज़ों को ले लेते हैं जैसे कि हमने जैसे रिफाइंड चावल ले लिए, या हमने कोई ऐसा जूस पी लिया, ठीक है, जो सीधा ही शुगर लेवल को ऊपर, कैंडीज ले लेते हैं, जैगरीज हैं, शायद भी एज इट इज, मतलब डायरेक्ट जो हमारा डायरेक्ट शुगर लेवल को टेक कर लेते हैं, जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड भोजन है, रिफाइंड चीज़ें खाते हैं ना हम, तो उन चीज़ों में डायरेक्ट वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जल्दी बढ़ जाता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें 4 कैलोरीज देती हैं, वो 4 कैलोरीज उसमें से निकलती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज होता है, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज के लेवल को एकदम से बढ़ा देते हैं, तो जिससे डायबिटिक इंडेक्स, जिससे कि कार्डिक प्रॉब्लम होने का आशंका रहती है, ब्लड प्रेशर के लिए भी हार्मफुल है और ओबेसिटी को भी वो लीड करते हैं। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कि हमने कई प्रकार के अन्न को मिला दिया, जैसे हमने कणक के साथ चावल भी और गेहूँ भी के साथ हमने चने डाल दिए, सोयाबीन डाल दी, ज्वार डाल दी, बाजरा, मल्टी ग्रेन्यूल्स जो है वो जो सीरियल्स का भोजन देते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें धीरे 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 हमारी जो है वो ग्लूकोज निकलती है, और वो जो धीरे धीरे जाएगी तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए तो हमें मिक्स्ड वाला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही खाने होते हैं। तो अगर हमने अपने आप को ऐसी बीमारियों से, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम होने का बहुत भारी समस्या रह जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड हमारी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। इसी तरह से फैट अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो आपको पता है कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है और जिसमें जॉइंट पेन्स हो रही हैं, तो फैट्स के बारे में हम डिटेल में ले लेंगे कि फैट्स जो है हमारी बॉडी में किस तरह से कौन से फैट्स जो हैं। फैट का मैंने बता रहा था कि 1 ग्राम फैट लेते हैं तो उसका भी एंड प्रोडक्ट क्या है, फैटी एसिड।
तो वो जो है 9 ग्राम तक हमें जो है वो कैलोरीज दे देते हैं। 1 ग्राम जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 कैलोरीज मिलती हैं, और अगर हमें 1 ग्राम फैट खाते हैं तो 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसी तरह से प्रोटीन है, प्रोटीन अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक उसकी समस्या यूरिक एसिड से रिलेटेड गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है, जो है गाउट जिसे कहते हैं ना, वो यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है। तो वो जो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि हर एक की इंपॉर्टेंस है, कार्बोहाइड्रेट की क्या जरूरत है, क्यों खाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे को एनर्जी के सोर्स हैं, हमें एनर्जी चाहिए, ब्रेन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, डे टू डे लाइफ में एनर्जी चाहिए। फैट हमारा जो है वो जब हाइबरनेशन पीरियड होता है, जब हम कुछ दिन नहीं कुछ खा लेते तो हमारे फैट काम आते हैं, और फैट में कुछ फैटी फैट में घुलने वाले विटामिन भी होते हैं, इसलिए फैट का भी लेना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा जो तीसरा मैंने बताया कि आपका जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या, हमारे जो बोन ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट मूल्य है। प्रोटीन भी 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। तो एमिनो एसिड्स इसका एंड प्रोडक्ट है, जिसमें मैंने बताया कि उसका कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप होता है, फैट का फैटी एसिड है, प्रोटीन्स के जो है वो एमिनो एसिड्स हैं। तो जब इन बिटवीन जब हमारे प्रोडक्ट्स बने, जिसको यूरिक एसिड कहते हैं हमारे, तो आयुर्वेद की भाषा में इसको क्या कहते हैं, जो इन बिटवीन प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं आम रस, कच्चा रस बन रहा है, मतलब जो आपने डाइट खाई उसका एंड प्रोडक्ट नहीं बना, इन बिटवीन प्रोडक्ट बन गया है ना, वो जो प्रोडक्ट है वो हमें बीमारियों का कारण बनता है। और इसी तरह से हमारी जो वेटेलिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए हमें विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो हमारा किस तरह का बैलेंस डाइट हो, तो मैं समझता हूँ कि आज के युग में जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल बन गया है उसमें क्या है, लो फैट है ना, हाई फाइबर, लो फैट हाई फाइबर वाली डाइट लें, और उसको वेजिटेरियन डाइट हो, तो हम जो है इस तरह की डाइट से अपनी बीमारियों से बच सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो हम अवॉइड भी करें जो हमारी डाइट के, जिसके जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग का करते हैं, इन चीज़ों को हम डिटेल नेगेटिव असर डालेंगे, जो नेगेटिव असर डालेंगे, कैंडीज ले देते हैं, फास्ट फूड है, नूडल है, पिज्जा हो गया, बर्गर है, जंक फूड जो आ गए हैं हमारे, तो ये भी हमारे यीस्ट जिसमें डाला हुआ है, फर्मेंटेड फूड है, जो इवन पनीर वगैरह जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं ना, वो जो है फर्मेंटेड चीज़ें हैं, वो भी हमें बहुत नुकसान कर रही हैं। तो हमारी डाइट जो है वो जो है बहुत बड़ा इन बीमारियों का कारण है। तो डॉक्टर साहब, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ इसी बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन किया है कि भाई हमारी जो है डेली दिनचर्या क्या हो जिससे हम आज की युग की जो है बीमारियों से बच जाए, है ना। मैं उनको स्टेप बाय स्टेप ले लेता हूँ, जबकि मेरे श्रोताओं को जो है बड़ा इजी लगे, टाइम टेबल मैं चाहूँगा कि वो अगर कागज़ और पेन ले ले, साथ में रख ले इस टाइम पे, तो नोट कर ले तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे सवेरे आप उठते हैं 5 बजे, अर्ली उठें, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होते स्टेज पर रक्षणार्थ आयुष है, पहला काम क्या होना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कोशिश करें कि सूर्य निकलने से पहले हम उठ जाएं। उसका कारण क्या है कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, है ना, अमृत को फेंकने वाली, आप हैरान होंगे सुनकर के आशीष जी कि 18 प्रकार के हार्मोन जो हैं वो सवेरे सवेरे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जिससे हमारा थायराइड पिट्यूटरी सारा उसका कंट्रोल है। जो मास्टर ग्लैंड है वो कुप्पी खोल के बैठा होता है कि ले लो स्रोत, मगर जो उठते ही नहीं हैं सवेरे, तो उनको वो 18 हार्मोन से तो वैसे ही वंचित रह जाते हैं। आज मैं देखता हूँ लेडीज यंग गर्ल्स आते हैं, PCOD की प्रॉब्लम है, मैं उनको कहता हूँ भाई फ्लावर जो है उसका भी उससे साथ लिंक है, फ्लावर को सूरज की रोशनी ना मिले ना तो फ्लावर जो है खिलता नहीं है। तो इसी तरह से हमारे को गायनी का जो पार्ट है उसका सीधा संबंध है सूरज की किरणों से, जब अल्ट्रावायलेट रेज लेंगे ही नहीं सोए रहेंगे तो उनके जो है सेक्स हार्मोन्स पर तो बड़ा बैड इफेक्ट होगा, फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। तो ये चंडीगढ़ इतना खूबसूरत शहर है, सुबह सैर करने का समय होना चाहिए, सवेरे का मजा लेने देखें, मजे लें, और इतना अच्छा मौसम है तो इसका लुत्फ नहीं ले पाते, वो उठते ही लेट हैं, जो सूर्य निकलने से बाद उठेगा उसने तो सिस्टम अपना वैसे ही गड़बड़ कर दिया। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सूर्य निकलने से पहले हम अक्सर कहते हैं कि 48 मिनट्स पहले जो उठ जाए, जाके अल्ट्रावायलेट रेज को अपनी बॉडी का एक्सपोज करें। तो पहला क्या है, सवेरे उठना है, उठ करके सबसे पहला काम क्या करना है कि आप जो है गर्म पानी में एक ग्रास गर्म पानी करें, ठीक है, गर्म पानी करके अगर तो आपको सीधा मोशन आ जाता है, या सिंपल पानी पी करके मोशन करके आप नींबू पानी लें। नींबू का जो है लेमन जो है ना, जो आज की लाइफ स्टाइल डिजीजेज में बहुत बड़ा रोल है। नींबू एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो भी हार्मफुल है, नहीं लेंगे तो भी हार्मफुल है। तो विटामिन सी का ऐसा रोल होता है क्योंकि इससे वाटर सोल्युबल विटामिन, इट इज नॉट फैट सोल्युबल। तो ये फैट सोल्युबल विटामिन तुम्हारी बॉडी में रिटेन रह सकते हैं, आपने ले लिए चलो ये काम आते रहेंगे, परंतु इससे वाटर सोल्युबल डेली रिक्वायरमेंट है, हर रोज लेना है, और पानी में पेशाब से निकल जाएगा ये, कम लेंगे तो भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो अगर ज्यादा ले लेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर हमने नींबू ज्यादा ले लिया ज्यादा मात्रा में तो आपके कैल्शियम की फिर बॉडी की हड्डियों को गालने लग जाता है। अगर आपने ज्यादा मतलब एट ए टाइम ले लिया और आपने क्या किया, उससे क्या होगा कि आपकी जो है विटामिन B12 जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है फॉर द नर्वस सिस्टम, उसकी कमी हो जाएगी। परंतु अगर आपने नींबू को बहुत फ्रेंडली वे से लिया, क्या करिए सवेरे अर्ली ले लिया आधा नींबू, छोटा बड़ा साइज का है तो आधा ले लीजिए,
छोटा है तो वो पूरा नींबू जो है निचोड़ करके गर्म पानी में डालिए और उसको पी लीजिए, ठीक है। उससे आपकी जो है आर्टरीज़ की हेल्थ ठीक हो जाएगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, आज हार्ट अटैक हो रहा है उसके बचना है तो आज क्या करना है, हमने आर्टरीज़ की हेल्थ, हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, क्योंकि एजिंग हमारी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं और हमारे ऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं हमारे, उनकी ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जो है उसको कम करने के लिए नींबू बहुत बड़ा काम करता है। नींबू को अगर हमने सवेरे अर्ली मॉर्निंग ले लिया, एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ लेना है, राइट, ठीक है, वो पानी पी करके उसके बाद जो है अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो आप उसमें शहद भी डाल सकते हैं, थोड़ा मधु शहद जैसे हम हनी बोलते हैं वो अपना डाल लें और वो अपना उसका टेस्ट के हिसाब से अपने नींबू पानी दीजिए सवेरे अर्ली मॉर्निंग। फिर आपने चलना है सैर करने के लिए, जब सैर करने के लिए जाना है सूरज निकलने के बाद सैर करनी चाहिए, कभी भी सूरज निकलने से पहले नहीं करनी, उसकी रीज़न है, उसका रीज़न क्या है कि जब उठना सूर्य निकलने से पहले है, सैर सूर्य निकलने के बाद बात करें, जो हम पहले कर लेते हैं सूर्य निकलने से हम उससे बहुत चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि देखो पहला प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो जब अंधेरे का टाइम होगा तो वो भी ऑक्सीजन दे रहे हैं हम भी दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है, जब दिन चढ़ जाता है तो प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने गए, जब वो फूड बनाएंगे तो ऑक्सीजन फेंकेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन देनी शुरू कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होएगी तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम पे अगर आप सैर करेंगे सूर्य निकलने को, एक विटामिन डी जो है वो भी सूर्य की रोशनी में ही बनती है, तो विटामिन डी भी बहुत जरूरी चाहिए, आज मैं करता हूँ कई बार गर्ल्स के मुंह को कवर कर देती है सारा, विटामिन डी से वंचित रह जाती हैं, कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होती, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, फिर वो कैल्शियम की गोलियाँ ढूंढती हैं जी सेल्कल खानी है जी फलानी खानी है जिस रॉन्ग, तो क्या करना चाहिए कि हमें अपने आपको सूरज की जो है अर्ली राइजिंग सन की जो है वो रेज जो है वो अपनी बॉडी की मैक्सिमम नेकेड पोर्शन पे वो रेज टच करें ताकि कोलेस्ट्रॉल से वो हमारी विटामिन डी बने, तो विटामिन डी जो है सूरज की किरणों से मिलती है, तो सवेरे का जो है सवेरे की दिनचर्या क्या होनी चाहिए कि सवेरे जैसे आपने उठे ब्रह्म मुहूर्त में उठे आपने नींबू पानी दिया सैर करने जा रहे हैं तो आपको स्टेमिना चाहिए भी लंबी सैर कर सको, तो हमें जो है दो सोर्सेज है हमारे उस टाइम पे, उसको कहते हैं इनविजिबल फैट्स, इनविजिबल फैट्स जो है हमारे को अंदर वे से हेल्प करते हैं, उसमें 5 बादाम रात को भिगो के रख दीजिए और 1 अखरोट, ठीक है, अखरोट, अखरोट में क्या होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आज की जो दिल की समस्या है उसके लिए बहुत जरूरी है, ट्राइग्लिसरीड्स जिसके बढ़ जाते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उसको कम करता है ये, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है जिसका कि हम बहुत बड़ा सोर्स मछली को कहते हैं आमतौर पर, मछली नहीं है बल्कि मेथे और अखरोट है, तो मैं ये कह रहा था कि अखरोट लीजिए 1 अखरोट पानी में भिगो के रख लीजिए, ठीक है, उसको पानी में भिगो के रख देना, उसके साथ ही 5 बादाम छिलका समेत ही खाने हैं, छिलका नहीं फेंकना, अच्छा छिलका फेंका तो गलत है, छिलका भी खाना है अखरोट भी खाना है, तो 5 बादाम और 1 अखरोट वो आपने सवेरे अपना सैर करने से पहले चबाते चबाते खाते खाते सैर करने से चाहिए, आधा घंटा पहले नींबू पानी लेना है शहद के साथ, बिल्कुल, उसके बाद की दिनचर्या बीमारियों से बचने के लिए बता रहा हूँ आज के युग की जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज है, क्योंकि पहले थी कम्युनिकेबल डिजीजेज, हमें ट्यूबरक्लोसिस हो गई जी, मलेरिया हो गया, ऐसी इन्फेक्शियस डिजीजेज थी पहले, आज हमारे पास क्या है लाइफ स्टाइल डिजीज, जिसको हम नॉन कम्युनिक उसको जो इन्फेक्शियस नहीं है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो आज वो पूरा बड़ा भयंकर समस्या आती जा रही है कि हमारी जो है हाइपरटेंशन हो रही है, इनसे बचने का ये उपाय बता रहा हूँ ये जो आज का जो मेरा मेन जो मैसेज देना है अपने श्रोताओं को वो यही है कि हमारी दिनचर्या क्या हो, तो सवेरे हमने ले लिया नींबू, उसके बाद हमने क्या किया अपना जब सैर करने जाए तो 5 बादाम और 1 अखरोट चबाते चबाते सैर करने चले जाइए, सैर करके जब वापस आइए तो आपका नाश्ता तैयार होना चाहिए, नाश्ते में क्या होता है, नाश्ते में स्टार्ट क्या होना चाहिए स्प्राउट से, जो स्प्राउट्स हैं वो 4 चीज़ों का स्प्राउट्स बना लीजिए, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अपना कागज़ पेन जो है श्रोताओं ने रखा हुआ है अपना नोट करें कि हमें क्या करना है 4 चम्मच मूंग साबत 4 चम्मच और 1.5 चम्मच उसमें डाल दीजिए काले चने साबुत वाले, ठीक है चले काले चने ब्लैक ग्राउंड, ठीक है उसको भी 1.5 चम्मच हो जाए 4 चम्मच आपके मूंग हो जाए और 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच हमारी कणक जिसको गेहूँ या वीट कहते हैं वो भी जो है वो डाल दीजिए, उसमें आप पानी में भिगो के रख दीजिए, फिर उसको जो है अगले गिले कपड़े में डांग दीजिए या कोई स्प्राउटर खरीद लीजिए उसमें स्प्राउट्स कीजिए, अंकुरित अन्न जो है ना अंकुरित अन्न इन चारों की इंपॉर्टेंस है, हमारे बहुत सारे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो बहुत सारे इसेंशियल जो है ट्रेस एलिमेंट्स हमारे मूंग से मिल जाती हैं स्प्राउट करने के बाद, अब गेहूं है जो कनक है उसकी विटामिन ई का बहुत बड़ा सोर्स है, जब हम स्प्राउट्स करते हैं आपने देखा व्हीट ग्रास का बड़ा चलन है, तो विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हार्ट कैंसर में भी एग्जैक्टली, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स को चेक करती है, मतलब हमारी जो फ्री रेडिकल्स की जो है ना ये फ्री रेडिकल्स की समस्या का हल है,
तो उससे हमारी जो है एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है, रसायन का कार्य करती है चना, जिससे हमारी उत्तम धातुओं की प्राप्ति हो उसको रसायन कहते हैं। वो हमारी गेहूं करती है, कनक जो है अगर आपने स्प्राउट कर दी, अब स्प्राउटेड गेहूं अगर आपने खा ली तो विटामिन ए मिल गई आपको। अब आपने चने जो है वो भी हमारा बहुत बड़ा सोर्स है, जब उसको स्प्राउट्स कर देते हैं हमारे जो एसेंशियल मैग्नीज उसकी जो है वो उसमें हमें प्रोटीन जो है बेस्ट क्वालिटी के अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे उससे। फिर उसके बाद जो है हमारी चौथी चीज़ मैंने बताई मेथे। मेथे तो सचमुच वंडरफुल है, ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मैं कहते हैं मछली का सोर्स है। वेजिटेरियंस के लिए तो मेथे जरूर खाने चाहिए, जो मेथे हम अचार में डालते हैं, ये अचार के कई बार मैं कहता हूँ कि अचार का बाकी फेंक दो, मेथे के कारण अचार को जरूर खा लीजिए। मेथे जो है मेथे बड़े यूजफुल है, जो अचार का मसाला होता है ना, नमक नमक ना फालतू डाला जाए तो फिर तो अच्छा है, क्योंकि मेथी की वजह से रिकमेंड कर देते हैं कई बार कि वो हमारा दीपन पच, क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो कम करता है जी। तो हम जब मेथी का प्रयोग जो करते हैं वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को हमारा कम करेगा, ओबेसिटी को कम करेगा, एंटी डायबिटिक भी है, ठीक है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसको भी फायदा होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्प्राउटेड मेथी खाने हैं, हमने विटामिन ई उससे ले लिया, अपने गेहूं के चारों के गुण हैं, इसलिए हमने स्प्राउट्स से अपने 40-50 ग्राम जो है वो अपने स्प्राउट्स का जो है सवेरे सवेरे अपना प्लेट में पहले स्प्राउट्स खाइए। और मैंने बताया नींबू जो है हमें हर 4 घंटे बाद खाना चाहिए, 6 घंटे बाद आधा नींबू देना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में अपने स्प्राउट्स के ऊपर नींबू डाल लीजिए। एक हमारी हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च का भी बड़ा भारी इंपॉर्टेंस है उसके, अगर हमें कड़वी रखे थे, ऑल बिटर्स आर बेस्ट टॉनिक इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में अगर हमने थोड़ी सी बिटर्स को प्रयोग करें, क्योंकि कहते हैं आयुर्वेदिक षड रस प्रधान खाएं, मधुर भी खाएं, अमृत भी खाएं, लेमन भी, कटु भी, तिक्त भी, कषाय भी। अब तिक्त रस का सोर्स क्या है, हरी मिर्च। हरी मिर्च को अगर हम लेंगे थोड़ा सा तो वो हमारे को हार्ट अटैक होने से बचाती है। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये हमारे जो नेचुरल जो हमारे कहते हैं काली मिर्च, हरी मिर्चों का क्या कमाल होता है कि ये जो है ये हमारी जो एस्पिरिन का कार्य करती है, तो ये बॉडी का एक सॉर्ट ऑफ एंटीसेप्टिक भी है, कई बार क्रिमी होते हैं उसमें, उसको भी खत्म करती है और खून को पतला रखती है। हरी मिर्च कड़वी ना हो ज़्यादा, आप थोड़ी मोटी ले लीजिए, बीज उसमें से निकाल दीजिए। हमें तो छिलके से काम है, हरा छिलका जो है मिर्च का वो मेरे कल है, तो उसको लेना है आपके नींबू के साथ, साथ में अपना सलाद को खाइए, अपने स्प्राउट्स, थोड़ी सी मिर्ची खा ली, आपका दिल करता है थोड़ी अदरक भी डाल लें, वो भी अच्छा टेस्ट बन जाएगा, टेस्ट बन जाएगा। उसको स्प्राउट्स को खाइए, उसको तड़का छिड़का नहीं लगाना, गर्म नहीं करना उसको, एज इट इज ही खाइए, धो लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्प्राउट्स खाने हैं उसको क्या करना है, गर्म पानी से धोना जरूर है, ये नोट कर लीजिए। हाँ, गर्म पानी से धोए वगैरह खाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। तो पानी में भिगो करके साफ कर, गर्म कर पानी में निकाल के फिर उस स्प्राउट्स खा लीजिए। उसके साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा नींबू ले लेना है, साथ में हरी मिर्च खा लेनी है। ये दिल की बीमारियों से, आज देखो लोग कितने सारे ऑपरेशन करवाने के, कोई मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, कोई एंजाइना, जाके हॉस्पिटल्स भरे जा रहे हैं, उनको जो है कोई स्टंट डालवा रहे हैं, कोई बाईपास करवा रहे हैं, अगर नहीं करवाना चाहते रिवर्सिंग हार्ट डिजीज, डाइट रखें, ये सारा डाइट चार्ट जो है वो डॉक्टर डी ऑर्निश की जो बुक है उसने बड़ा उस काम किया है, अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने एसोसिएशन के हेड हैं वहाँ के, प्रेसिडेंट हैं वहाँ के इसके कार्डियोलॉजी के, उन्होंने डी ऑर्निश ने जो डाइट रिकमेंड की है उसके आधारित मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, आयुर्वेद का भी ज्ञान उसमें सम्मिलित कर करके मेरा ये इंडिविजुअल प्रोग्राम है जो मैं आज से शेयर कर रहा हूँ, कि इसमें क्या करना है कि काले चने जो हैं वो आपने इस सब इसका जो चारों चीज़ों को मिला लिया, और आपने हरी मिर्च ले ली, और साथ में क्या करना है, अपने नींबू जरूर लेना है, आधा नींबू जो है उसमें ले लेना है, ठीक है। जब आपने ये ब्रेकफास्ट स्टार्ट इससे करें, फिर आपने स्प्राउटेड किया हुआ दलिया खा लें, या आप पोहा ले लें, या चाहे उपमा ले लें, ज्यादा ना हल्की चीजें लें जो कि आपको शीघ्र पाचन भी हो जाए और आपको डाइजेशन भी ठीक रहे। मिक्स किया हुआ दलिया बहुत अच्छा है, ये साथ ही खा सकते हैं, साथ खाना है, खाना है ये मैं पहले बताऊं, थोड़ा सा अपने स्प्राउट्स खाएं, साथ में अपने पेट को तो भरना है ना, दलिया ले लें, मिसी रोटी ले लें चाहे, परंतु उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमारे नाश्ते में क्या होना चाहिए, दैट इज अवर, मैंने कहा ना फाइबर्स ज्यादा हों, फाइबर्स किसमें ज्यादा होंगी, हमारी बीन्स में, बीन्स की सब्जी जैसे कि फ्रास बीन है, सेम फली है, मुंगरी सिंगरी होते हैं ना, मुंगरे होते हैं जो, उसका प्रयोग करें, चाहे वो ग्वार फली है, फलियों की सब्जी, फलियों की सब्जी का ये कमाल होता है कि फलियों की सब्जी एक झाड़ू का काम करती है, जो बॉडी की सफाई करती है टॉक्सिन्स की, वो जो हमारे जब हमने वो सारा किया तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, जो हमारा मैंने कहा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज की धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगी, सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, पेट की फीलिंग भी हो जाएगी। तो आपको क्या लगे जब आपने उसके साथ फलियों, उसमें नींबू डाल लें, थोड़ा सा डालना चाहे, क्योंकि आधे नींबू को आपने यूज करना है, मिक्स कर दीजिए वो 4 घंटे के बाद, बिल्कुल वो लेना ही लेना है, जैसे नाश्ते पहले आपने अर्ली मॉर्निंग दिया, फिर ब्रेकफास्ट में लेना है, हरी मिर्च भी साथ में लेनी है, तो वो जो है वो आपने नाश्ता जो है वो आपने कर देना है। उसके बाद जो है अगर आप देना चाहें तो सेव उसका जो है ना सोया का मिल्क, वो बहुत अच्छा है, तो चाय को अवॉइड करें,
चाय कॉफी पे मैं जिन आज की जो डिजीजेज आ रही हैं, क्योंकि टैनिन होती है आपको पता है टैनिक एसिड जो हार्मफुल है, उसमें निकोटीन होती है, कैफीन होती है, दिस इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। दूध ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब जो है वो हल्का सा हल्दी डाल लीजिए या मोटी दाची वगैरह डाल लीजिए, या अर्जुन वाला दूध पी लीजिए। अर्जुन जो है वो हमारे दिल की बीमारियों से बचाता है। दालचीनी डाल लीजिए उसमें, दालचीनी वाला दूध हो जाए, कुछ भी ऐसा हल्दी वाला दूध ले लीजिए, क्योंकि हल्दी बेस्ट एंटी एलर्जी, एंटी हिस्टामिन, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी सब कुछ है उसमें। तो वो दूध के गुण भी चेंज हो जाएंगे। तो उसकी जो है हल्दी डाल करके वो दूध जो है वो आप पी सकते हैं। पतला दूध हो, फैट फ्री होना चाहिए, ठीक है। वो वाला दूध अगर पियेंगे तो आपको जो है सवेरे नाश्ता आपका हो गया। फिर नाश्ता करने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद, मतलब नाश्ते के तुरंत बाद लोग क्या करते हैं, जैसे नाश्ता फल फ्रूट भी खा लेते हैं, केला भी खा रहे हैं और फल फ्रूट भी खा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। तो नाश्ते में 2 घंटे का गैप डाल के आप एक टाइम बना लीजिए कि सपोज आपने 8 बजे नाश्ता किया है, 8:30 बजे तक नाश्ता किया, तो 11:30 बजे या 11 बजे आप जो है वो 2-2.5 घंटे का जो गैप डाल के आप अपना फ्रूट लीजिए। कोई भी जैसे अनार है, अमरूद है, संतरा है, है ना, जो भी मौसम का फल, सीजनल फ्रूट जो है वो जरूर लेना, क्योंकि हमारी वो वाइटलिटी को बढ़ाते हैं। मैंने बताया फ्रूट्स में विटामिन बहुत होते हैं, तो उसमें जो फाइबर्स की मैंने बताई थी, जैसे आपको बीन्स खाते हैं वो, तो वो फाइबर्स जो है वो हमारी एक तो उसकी प्रोसेस को जो है डिले को हटाते हैं। मतलब हमारे 2 प्रकार के एक्चुअली क्या होते हैं, जो हमारे जो फाइबर्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने बताया था ना, उसमें जो फाइबर्स टिश्यू फाइबर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होती है सोल्यूबल फाइबर्स, और एक होती है इनसोल्यूबल। तो जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींच देती हैं, जो हमारे आहार में टॉक्सिन्स बनते हैं ना उनको अपनी तरफ खींच लेती हैं, और जो होती हैं इनसोल्यूबल फाइबर्स वो झाड़ू का काम करती हैं। वो क्या पेस्टाल्टिक मूवमेंट्स इंटेस्टिन की बढ़ जाएंगी, आपकी कब्ज़ नहीं होगी। कब्ज़ का बेस्ट इलाज बता दिया मैंने कि सवेरे अगर आपने ये बीन्स खाने शुरू कर दी तो आपको जो है कब्ज़ नाम की बीमारी, जो सभी बीमारियों की जड़ है, रोगा सर्वे अपनी मंदग्निश्च सुतराम उदराणिच, उधर से सब रोगों का जन्म होता है। तो उसके लिए आपने पहला फार्मूला क्या किया कि सवेरे स्प्राउट्स, आपका वेट नहीं बढ़ेगा कभी भी, वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फजूल में लोग गोलियां खाए जा रहे हैं, वेट को कम करना है तो आसान तरीका क्या है कि सवेरे स्प्राउट्स की सब्जी जो है वो आपने इसके साथ स्प्राउट्स पहले खाने हैं, फिर आपने बीन्स की सब्जी खानी है, उसके एग्जैक्ट 2-2.5 घंटे बाद फ्रूट्स खाने, चाय और बिस्कुट वगैरह नहीं खाने, फिर उसके बाद हाँ वो नहीं दें। लोगों ने टी टाइम बना रखा है 11 बजे का, उसको फ्रूट टाइम में कन्वर्ट करें। तो मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि अपने टाइम को जो है टाइम टेबल बनाएं, इस तरह से 11:30-11 बजे फ्रूट खाया, फिर आपका आ जाता है लंच टाइम। तो लंच टाइम में अगर आपने बीमारियों से, आज के युग की बीमारियां लाइफस्टाइल से बचना है, तो सवेरे नाश्ते में स्टार्ट किससे करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डाइट आ रही है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी डाल रखे हैं, बहुत सारे, क्योंकि हमने धरती माता की गोद को ही गंदा कर दिया है, इतनी पॉइजन्स दे रखी हैं जड़ी उनको, तो उसको सेट करना है ना। टॉक्सिन्स का टाइम है, नेगेटिव एनर्जी फूड में भी होगी, प्रकृति नेगेटिव हो चुकी है ना, तो हमारे प्रकृति में नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए हमें जो है उसकी पॉजिटिविटी लानी है, तो उसमें रफेज वाली चीज़ चाहिए। तो क्या करेंगे, स्टार्ट क्या करना है, जब अपने लंच के टेबल पर बैठ के आपने 1 बजे या 2 बजे का टाइम फिक्स कर दीजिए कि मुझे वो है फ्रूट खाने के 2-2.5 घंटे बाद लंच करना है। तो लंच करने में क्या करना है, सबसे पहले इसबगोल, इसबगोल का छिलका होता है ना, भूसी होती है, इसबगोल का छिलका जो है 2 चम्मच और 1 गिलास पानी गर्म, गर्म रखे तो ज्यादा अच्छा, आजकल वैसे गर्मी है तो नॉर्मल पानी, फ्रिज का पानी ना हो, मतलब आम ताजा पानी जो है, घड़े का पानी हो जाए या ताजा, या बॉय गर्म करने तो ज्यादा अच्छा है, कोसा कोसा पानी जो है वो अपना वार्म वाटर जो है, बॉयल्ड एंड कूल वाटर जो है वो वाला पानी अगर पिए तो मजा आ जाएगा। उसको क्या करना है कि आपने पहले क्या लेना है, इसबगोल के 2 चम्मच, ठीक है, अगर आप बहुत हेल्दी है तो 3 चम्मच भी ले सकते हैं, कम से कम 2 चम्मच, ठीक है, जो बहुत पतले हैं वो 1 चम्मच ले लें, ठीक है, लेडीज बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, नहीं ऑलरेडी उनका वेट नहीं ज्यादा तो वो 1 चम्मच ले लें, जो वेट रिडक्शन करना चाहते हैं वो तो 2 या 3 चम्मच लें, ठीक है, वो जो फैट जिनका बॉडी वेट ज्यादा है वो 2-3 चम्मच जो है वो गर्म पानी में डाल करके पहले इसबगोल लें। इसबगोल के तुरंत बाद उसी टेबल पे पड़ा होना चाहिए, तुरंत बाद कह रहा हूं मैं, वो क्या करना है, फ्रूट्स लेने हैं ना, फ्रूट्स नहीं सैलेड लेना है, फ्रूट्स नहीं जी, सैलेड में क्या होगा, आपके तार हो जाए, खीरा हो जाए, आपका टमाटर हो जाए, कैबेज हो जाए, चुकंदर हो जाए, मतलब इस तरह का जो मिक्स सैलेड है वो आप ले लें, उसको चाहे कद्दूकस कर दें, उस तरह का सैलेड ले लें, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि दोपहर के टाइम पे जो है सब्जी भी लेनी है और दाल भी लेनी है, तो जो प्रॉपर फिलिंग हो, ठीक है, प्रॉपर सब्जी कटोरी, जैसे आपने सब्जी ले ली, दाल ले ली, और जो आपने चपाती लेनी है उसमें भी सभी प्रकार के आटे मिक्स कर दिए जाएं। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया कि 7 किलो कनक हो जाए, 1 किलो उसमें सोयाबीन हो जाए, 1 किलो काले चने हो जाए, 1 किलो ज्वार हो जाए, या 1/2 किलो ज्वार 1/2 किलो बाजरा डाल लीजिए, वो मिक्स्ड आटा जो है 10 किलो आपका बन गया थैली वाला, वो वाला आटा जो है 7 किलो कनक, 1 किलो काले चने, 1 किलो जो है वो सोयाबीन,
आधा किलो या एक किलो जो मिक्स वाला आटा है, ताकि वो आपका धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा। इससे क्या फायदा होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा, एकदम से आपकी शूट नहीं करेगी ग्लूकोज। डायबिटिक पेशेंट के लिए तो वरदान होगा ये मिक्स आटा। तो मिक्स आटे वाली आपने दो चपातियां खा ली, और उसके साथ जो है आपने दही नहीं खानी, क्योंकि आयुर्वेद में दही को अभिशंधी माना है जो नेचुरल चैनल्स को ब्लॉक करती है। तो अभिशंधी दही को अवॉइड करें, दही खट्टी तो बिल्कुल भी ना खाएं। लेना है तो उसको रायता बना लीजिए, मद्रम गुणवर्धन राई डाल के ना रायता, राई से या लस्सी छाछ मट्ठा जिसे बोलते हैं हम, छाछ ले, छाछ तो बहुत अच्छी है। या आप कांजी ले सकते हैं, आजकल कांजी वाली गाजर है वो थोड़ा सा ले लें उसको, क्योंकि राई होती है, राई भी बहुत यूजफुल चीज़ है। तो वो राई जो है मस्टर्ड से राई होती है ना, उसके बीज होते हैं वो, तो वो जो है वो उसको आपको नेचुरल वे से खून को पतला भी रखती है वो। तो उस तरह की आप भोजन के बाद ले सकते हैं। अगर आपने उसके उसके साथ कोई फ्रूट नहीं खाना, क्यों नहीं फ्रूट खाना भला? हम अक्सर क्या कहते हैं कि लंच और डिनर में, लंच के साथ या डिनर में भी फ्रूट भोजन के साथ नहीं खाते, क्योंकि फ्रूट जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और आपका जो भोजन है वो जरा देर से डाइजेस्ट हो रहा होता है, उसकी डाइजेशन प्रोसेस चल रही होती है ना, वो उस मोड में होता है। ठीक है, हमने उसके ऊपर से फ्रूट खा लिया, फ्रूट डाइजेस्ट हो गया, तो वो दोनों का आपस में कम्बिनेशन होकर के आमरस बन जाएगा, आमरस बन जाएगा। आमरस जो है वो सब बीमारियों का जड़ है ना। हमारे शास्त्र में लिखा है उष्मणो अल्प बल तमेन धातुम आध्यम अपचितम स आम संगे कम देहम सर्व दोष प्रकोपणम, सभी बीमारियों का जड़ है। तो ये जो है आमरस को ना बनने दें, इंडस्ट्री मटेरियल आपका ना बने जिससे कि गैस फॉर्मेशन हो जाएगी। कई बार क्या होता है सिंपल गैस बन जाती है, और गैस बन जाती है हम सोचते हैं हार्ट अटैक हो गया, पेन होती है चेस्ट में वो गैस की वजह से। कई बार मैंने देखा है, मैंने अपनी शंख वट्टी, मैंने इंदिरा होलीडे होम में एक पेशेंट मुझे याद आता है कि वहाँ पे आया, तो मैंने उसको क्या किया कि वो उसको कहता है मुझे हार्ट प्रॉब्लम डॉक्टर्स मुझे लगता है, मैं तो शंख वट्टी खा या प्रवाल पंचामृत दे दिया मैंने उसको, वो दो गोलियाँ काम दे रहा है शंख वट्टी और साथ में पर उसकी गैस नीचे हो गई है ना, एक सिंपल सी वजह से पिलाया उसको वो बिल्कुल खत्म हो गया। कहते कोई उसकी रिपोर्ट नहीं, कोई नेगेटिव, सब कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम गैस की थी। कई बार हम मिसडायग्नोज हो जाता है, तो वो सिंपली उससे ठीक मैंने होते देखे हैं। तो गैस प्रॉब्लम का काज क्या है, इन बिटवीन हम फ्रूट्स के फ्रूट्स भी खा लेते हैं साथ में अपने जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को कि लंच और डिनर के बीच में, जैसे आपने लंच किया और उसके डिनर की दो घंटे का गैप डालिए, फिर अपना फिर फ्रूट्स का टाइम रख लीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि लंच में क्या करना है, पहले हमने क्या करना है इसबगोल दो चम्मच, उसके साथ सलाद, फिर हमने एक कटोरी दाल की भी लेनी है जरूर, साबुत दाल, दालें धुली हुई नहीं होनी चाहिए है ना, साबुत दाल चाहे मूंग मिक्स, साबुत दालें मिक्स कर दो, तो साबुत दाल मूंग की सबसे अच्छी है, मूंग की दाल ले लीजिए। ठीक है, कोई सोयाबीन वगैरह की दाल, कोई भी दाल जो है वो आप चले लेना चाहें, कोई भी जैसे आजकल चने का मौसम है तो ऐसी कोई सब्जी ले लें, एक सब्जी जरूर लेनी है और दाल, क्योंकि हमें क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है ना बॉडी को 50 ग्राम के करीब चाहिए होते हैं, तो 20 ग्राम तो हमने सवेरे स्प्राउट से ले लिए, जब हमने वो सवेरे सवेरे स्प्राउट्स खा लिए, 25 ग्राम जो है वो हमें इससे दाल से मिल जाएगी प्रोटीन, और 5-1 ग्राम जो है रात को चपाती से मिल जाएगी। तो जो रात के भोजन में हमने दाल नहीं खानी, डिनर में कभी भी जिसको डायबिटीज है और जिसको मतलब हार्ट प्रॉब्लम होने का डर है और चाहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम से हम बच जाएं, तो रात को दाल चावल मत खाएं। दाल और चावल रात को कभी ना खाएं, लंच में तो खा सकते हैं। ठीक है, रात को जो है अब डिनर हम ले लेते हैं कि जो जो डिनर करना है हमने, डिनर में क्या करना है कि पहले इसबगोल लेने के बाद वही दो चम्मच इसबगोल जो लंच में खाया था, फिर उसके बाद हमने खाया था सलाद, अब सलाद नहीं खाना, रात को सलाद मना है, रात को दही भी मना है। रात को भूल के दही ना खाएं, रात को भूल के दाल ना खाएं, चावल मत खाएं, क्योंकि ये बीमारियां इनवाइट करेंगे हम। रात को कड़ी खा लेंगे, ऊपर से कड़ी के साथ छाछ पी लेते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे को, गैस प्रॉब्लम होती है तो फिर वो जो है फूड पॉइजनिंग हो गई जी हमारे को, ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो फिर अपने उसको रोक लेते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ खा लेंगे मोशन को रोकने की, उससे वो जहर अंदर इकट्ठा हो जाता है और भयंकर बीमारी हो जाती है, एसिड बनता है, फिर उसको निकालने के लिए इनकम्पैटिबल फूड कहते हैं हमारे शास्त्रों में ना, इनकम्पैटिबल, जैसे मूली के साथ दूध मत पिए, इनकम्पैटिबल फूड है, तो इस इनकम्पैटिबल फूड भी नहीं खाने होते। तो हम ये कहते हैं कि फ्रूट्स भी ना आप उसके टाइम टेबल बनाइए, जैसे आपको मैंने बताया फ्रूट टाइम 11:30 बजे, शाम को 4:30-5 बजे रख लीजिए, उस टाइम पे लोग क्या करते हैं स्नैक्स लेते हैं, वही मैं बोलने लगा था कहीं चाय और स्नैक्स लेते हैं, वो बहुत गलत है अगर वो भी इनवाइट करते हैं। आज तो हमारा जो लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, और वो चाय और स्नैक्स लेके फिर वो सैर करने निकल जाते हैं वो भी गलत है, क्योंकि जो हार्ट प्रॉब्लम के लिए जो है भोजन करने के बाद जो है वो मना करते हैं हमके भोजन के बाद, क्योंकि भोजन करने के लिए पाचन होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पेट को जानी चाहिए, और हमने टांगों को भेज दिया तो इसका इंडाइजेशन पैदा हो जाएगी। भोजन के बाद तो सैर मना करते हैं हम लोग, क्योंकि कार्डिक प्रॉब्लम वालों को खास करके भोजन के बाद तो रेस्ट करनी चाहिए, जहाँ से वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ करके उसको अपने भोजन को पाचन कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अगर करना है टहल लीजिए थोड़ा सा, उसको मैं लंबी सैर नहीं कहता हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए जस्ट मतलब अपने एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स थोड़ी सी हो जाए, ताकि वैसे तो करवट बदलनी चाहिए लेफ्ट करवट में फिर राइट करवट में, तो थोड़ी मतलब यहाँ अपने वज्रासन में बैठे ताकि भोजन का सही पाचन हो। तो मैं ये बता रहा था कि आपने
चार बजे फिर फ्रूट खा लेना है, और फिर रात को जो है बताया कि पहले हमने इससे बोल लेना है डिनर के टाइम पे, जैसे 7-8 बजे आपने डिनर ले लिया तो उसमें क्या करना है। डिनर भी कई लोग बहुत लेट लेते हैं 10 बजे 11 बजे, वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। सोने से बिल्कुल पहले जैनियों की प्रशंसा करता हूँ, वैसे तो कहते हैं कि रात का जो है मतलब दिन होते होते भोजन कर लेना चाहिए। ये चीज मैंने वेस्ट में गया था, लंदन में मैं देखा, इवन सिंगापुर में भी देखा, जो चीज हमारे भारत के कल्चर में बहुत अच्छी चीज थी टाइमली भोजन वो उधर चले गए, वहां पर मैंने देखा लोग 6-7 बजे अपना डिनर कर लेते हैं, उनका बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो हमें तो डिनर बल्कि बहुत लाइट होना चाहिए। हमारे देखा कि टेक ब्रेकफास्ट योर सेल्फ, शेयर लंच विद योर फ्रेंड्स एंड लीव द डिनर फॉर योर एनिमीज। तो एक कहते हैं कि भाई ले टेक ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, है ना, सारा न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया कि किंग जो है सारी चीज़ें खाएगा, शटरस प्रधान हो गया ना, जिसमें जो ब्रेकफास्ट बताया किंग्स का ब्रेकफास्ट है, जो डिनर है वो लाइक ए कॉमनर, है ना, जो डिनर है वो जो लंच है वो कॉमनर, डिनर जो है लाइक ए पॉपर, पॉपर मैंने बेगर। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि सवेरे न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए नाश्ते में, ठीक है, जो लंच करेंगे तो वो क्या होगा कॉमनर की तरह होगा, ठीक है। उसमें तो लंच भी मैंने बता दिया आपको कि जो सारा, और डिनर में जो है वो आपने क्या पहले करना है, इसे गोल खाना है, इसे गोल के जैसे 2 चम्मच है, ठीक है, पानी पी लिया उसके ऊपर, फिर हमने क्या करना है उसके साथ सूप ले आप, और सूप जो है वो सब्जियों का सूप बनाए, बाजार वाला सूप नहीं देना कि आपने फलाने उस कंपनी का बना हुआ सूप ले लिया, ऐसा नहीं करना, अपना घर में ताज़ा बनाइए, उसमें अपना जो है थोड़ा 2-3 टमाटर डाल दीजिए, थोड़ा उसमें क्या करते हैं वो अपना जो चुकंदर डालना है या अपने गाजर डालनी है या शलगम डालने हैं या पत्ता गोभी डालनी है, उसका सूप वेजिटेबल सूप, वो वेजिटेबल सूप उसमें भी नींबू। हाँ, लंच में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया हूँ कि आपको लंच में भी वो नींबू लेना है, और हरी मिर्च 4 घंटे का पीरियड बिल्कुल, ब्रेकफास्ट में भी नींबू, उससे पहले नींबू, ब्रेकफास्ट लंच में भी डिनर में भी, क्योंकि 4-4 घंटे बाद अगर आपके अपने आर्टरीज की हेल्थ को ठीक रखना चाहते हो, मॉर्निंग में भी नाश्ते से बिल्कुल उठते ही जब सवेरे आप शहद और गुनगुना पानी, जी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 बार अगर आपने डिवाइड करके थोड़ी डोज में नींबू लिया, छोटे वाला जो है नींबू आधा आधा करके आपने वो ले लें तो इट्स बेटर, ठीक है, उससे आपको विटामिन सी जो है वो क्योंकि वाटर सोल्युबल है तो टाइमली मिलती रहेगी, और आपकी आर्टरीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कायम रहेगी, तो आपके वो हार्ट प्रॉब्लम होने का वो जाए वो भय नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो आपकी जो है वो जैसे बॉडियाँ चढ़ते सांस फूलता है जी वो है वो सब वो खत्म करेगी, तो ये अनवांटेड जो है ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी वो कम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डिनर में भी सूप लेना है उसमें अपना थोड़ा नींबू निचोड़ लिया, हरी मिर्च जोड़ दीजिए, डिनर में भी हरी मिर्च लेनी है, ब्रेकफास्ट में भी हरी मिर्च लेनी है, छोटी मिर्च जो कड़वी ना हो, है ना, वो जरूर देनी है ताकि दिल की प्रोटेक्शन के लिए। तो वैसे भी तिक्त रस जो है हमारा डायबिटीज के भी लेवल को कम करता है, मोटापे को भी कम करता है। तो इस्तेमाल या तो काली मिर्च हो, काली मिर्च भी हमारी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, जैसे आपने कई गलती से दही खाई गई है या आपने कुछ है तो काली मिर्च का सेवन शुरू करें। काली मिर्च अभिसंधि के ऑपोजिट होता है, जैसे हमारी चैनल्स को ब्लॉक करती है ना दही, तो ये चैनल्स को खोलती है, इसको आयुर्वेद की भाषा में कहा है परमाथी, काली मिर्च से परमाथी, परमाथी मैंने जो मथ के दोषों को बाहर निकाल दे, तो जो हमारे अधड़का सा कर देती है ना वो, तो वो जो जमा हुआ कहीं फैट है उसको भी वो हटा देती है। तो एक जो मैं आपको मतलब जो रात के वक्त आपने जब वो ले लिया, आपने सूप भी ले लिया, है ना, टाइम पे ले लें, मतलब हमारी बात चाह रही थी कि हमारे वेस्ट में कंपैरिजन कर रहे थे हम कि वहाँ पे वो टाइम पे खा लेते हैं शाम के, मतलब दिन चढ़े चढ़े 7-8 बजे तक आप कर सकते हैं, ठीक है, डिनर 8 बजे तक हो जाना चाहिए। तो डिनर कर दिया 7 से 8 बजे तक आपका हो जाए, उसके बाद अपना 1.5-2 घंटे अगर गैप डाल के जैसे 10 बजे सोते हैं आप, तो सोने के टाइम पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दूध पीना है, जरूर दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि आज मैंने कई लोग कहते हैं कि रात को दूध नहीं पीना चाहिए, ये गलत कहते हैं, आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि हमारा जो नेचुरल, और गाय का मिल जाए तो मिरेकल है, जो खास करके वेजिटेरियंस हैं उनको तो विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा बताइए, गाँव के घी गाँव के दूध से तो मिलता है, 2 ही सोर्स हैं, एक गाँव का दूध, अगर गाय का दूध आप लेंगे तो विटामिन, आपको कैल्शियम भी बहुत जरूरी चाहिए, तो कैल्शियम भी बहुत जरूरी है, उसको जो अगर आप उनसे फैट निकाल दीजिए जाए, अगर आप आज के युग में आप मोटे हैं तो आप फैट मत लीजिए, आप स्किम्ड मिल्क ले लीजिए, मिल्क जरूर लेना क्योंकि कैल्शियम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, जिसको आज हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसको भी कैल्शियम चाहिए, हड्डियों के लिए भी कैल्शियम चाहिए, आपकी अब बोन डेंसिटी लोगों की कम हो रही है, और खास करके लेडीज़ की जब मीनोपॉज हो जाता है तो उनके ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन कम हो जाते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, आज हम उनको धड़ाधड़ खिलाए जा रहे हैं कैल्शियम की गोलियाँ खाए जाए, और सारे वो कई कैल्शियम जो है वो सिंथेटिक होते हैं, चूना बेस्ड होते हैं, फिर पथरियाँ हो जाती हैं, किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, किडनी स्टोन हो रहा है, तो ये आर्टिफिशियल कैल्शियम है, ये बकवास है, इससे बेटर क्या है आप नेचुरल कैल्शियम दूध से, दूध इज दी बेस्ट सोर्स, आज दूध नहीं पीते ना जो लोग, फिर बाद में कैल्शियम या बादाम खाइए, हाँ कई कहते हैं कि दूध पचता नहीं है, तो दूध नहीं पचता तो उसके लिए आप हल्दी डालिए ना उसमें बीच में, उसमें आप अपनी बोन्स को भी मजबूत करेंगे, आप उसमें इलायची डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, मतलब उसका जो गुण चेंज कर दीजिए,
ठीक है, ऐसे हमारे जैसे हम अर्जुन की चाय अर्जुन का दूध में डाल करके प्रयोग करवाते हैं, अर्जुन में भी कैल्शियम होता है क्योंकि आयुर्वेद में कुकब लिखा हुआ है, कुकब शीतलो हृदय शत शय विष असर्जित मेदो में बनान हंती तुवरे कपित हरे। हम कहते हैं कि सवेरे के टाइम पे या एक टाइम पे जब आपने जैसे ब्रेकफास्ट के बाद चाय जो पीना है दूध वगैरह या सोने के टाइम पे जब भी आपको मौका मिले तो एक कप दूध एक कप पानी और उसमें अर्जुन की छाल एक 5 ग्राम के करीब डाल लीजिए, हैं उसमें दालचीनी डाल लीजिए, उसको पानी पानी को उड़ा दीजिए, दूध दूध रह जाए वो वाला दूध पिए तो उससे क्या होगा कि आपकी कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ेगी और हर हृदय को भी फायदा होगा, वेट भी कम होगा। तो इस तरह की चीज़ें तो आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु दूध की इंपॉर्टेंस है, दूध को रात को एक टाइम ही तो पीना है, जरूर पीजिए एक टाइम पे, अपने दस्ती से आपको कैल्शियम मिल जाएगा। दही रात को भूल के नहीं खानी, क्योंकि जिनको ज्वाइंट पेन्स होती हैं वो तो कभी भी ना खाएं, और खासकर रात को कई लोग दही भी के साथ कई बार कड़ी खा लेते हैं और दही ले लेते हैं, वाइट राइस है ना, भी नहीं लेने, राइस भी नहीं लेने और दालें भी नहीं खानी। तो दालों का भी अगर इस तरह से हम इसका प्रयोग करें तो फिर जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल खानी नहीं चाहिए, जो हम आज क्या है वर्जित किया, मैंने मेरा इशू ये था कि भाई क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारा जो भोजन करते हैं तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए। आज हमने अपना फूड का पार्ट बना लिया, अल्कोहल ले लेते हैं, अब अल्कोहल का ये नहीं पता कि आपके ऊपर कितना नुकसान कर रहा है, हार्ट की लाइफ आपकी इम्यूनिटी को कम कर रही है, आपके लिवर के लिए डेंजरस है, आपके हार्ट के लिए कितनी डेंजरस है। तो अल्कोहल का यूज आप धड़ाधड़ लोग करते हैं और फिर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, बीमारियां बढ़ती आ रही हैं, टेंशन हो रही है, उसका एक तो वो उसको स्टिमुलेट करने, हाँ उसकी वजह से अल्कोहल से अपने गम भुलाते हैं, परंतु गम ये नहीं पता कि उसका जो नशा है वो आपका एक्चुअली रूहानी नशा होना चाहिए। मेडिटेशन से भी वो मिल सकता है, अगर सवेरे उठ करके लोग मेडिटेशन करें तो अल्कोहल नहीं उनका मतलब उनका खत्म हो जाएगा, वो नेचुरल इन्विटेशन दे रहे हैं आप। इसी तरह से हमारा जो है वो स्मोकिंग का है, अब स्मोकिंग जो करेगा अगर वो स्मोकिंग पैसिव भी कर रहा है, अगर सपोज आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आपका जो धुआं वो किसी की आंखों पर किसी की स्किन का कैंसर हो सकता है क्योंकि उसमें नोन है वो पॉइजनस है। तो निकोटिनिक एसिड जो है वो तो एवरीबॉडी नोज कि वो जो आज स्मोकिंग के लिए आप हम इतना करते हैं उसका कि लोगों को जो है इस कैंसर की प्रॉब्लम जिसको जो स्मोक नहीं टाइम क्योंकि उसकी आर्टरीज की जो हेल्थ है ना वो उससे संकुचित हो जाती है और उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने के बहुत चांसेस होते हैं। और हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल, आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल डाइट में उसके बारे में मैं जरूर श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो लेते हैं ना इसकी हमारे फैट्स को मतलब जो क्या जैसे किस प्रकार का हमें वो जो है हमारे फैट्स खाने चाहिए और क्या नहीं खाने चाहिए है ना, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको मोटे मोटे रूप में ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो है फैट्स जो होते हैं एक सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट में वो होता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो जमता मतलब जम जाता है नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे हमारा घी होता है देसी घी है या डालडा घी है या हमारे नारियल का कोई बना हुआ है वो जो जम जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे वो जो जमा उसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। ये सैचुरेटेड फैट क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं और एलडीएल को भी बढ़ा देते हैं, एचडीएल को भी बढ़ा देते हैं। अब एलडीएल और एचडीएल क्या है, एलडीएल से एल से याद रखें लड़ाका, अल्फा लड़ाका मीन जो लड़ने से या लड़ाई करने से या नेगेटिव थॉट से जो बढ़ता है आपके अंदर वो लड़ाके वाला एलडीएल है, बड़ा डेंजरस है जो कार्डिक बीमारियों का जड़ है। दूसरा जो कि वो हमारा 100 से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए और जो आपका एचडीएल है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो कि हमारा हंसने से खुश रहने से होली एच से मैं होली याद करता हूँ अपने श्रोताओं को कहूँगा कि ऐसे होली वाला जो है अच्छे वाला गुड कोलेस्ट्रॉल वो जो है आपका बढ़ेगा किससे भला जो अगर आपने खुश रहना शुरू कर दिया वो एचडीएल जो है वो बढ़ाता है। वो दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल जो है वो गाय के घी से या दूसरा घी जो है गाय का घी तो खैर पर्टिकुलर एचडीएल को बढ़ाता है तो परंतु जो घी अगर हम खाएंगे तो एचडीएल एलडीएल सारे जो है वो सैचुरेटेड फैट से वो बढ़ जाते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब हमारा एचडीएल बढ़ता है इसलिए इस गुड घी अच्छा तो है ना, एचडीएल तो बढ़ाता है कम से कम। अब क्या हो गया, जो हमारे दो प्रकार के फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तेल होते हैं जो हमारे तेल चले हुए हैं आजकल दो प्रकार के, एक तो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पुफा बोलते हैं हम उसको। पुफा का क्या काम होता है, पुफा में हमारे आ जाते हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन का तेल है ना, या अपना कार्न कनोला है या कॉटन सीड ऑयल है या राइस ब्रान ऑयल है, ये सारे क्या है, ये वाले ऑयल जो है वो एचडीएल को भी कम कर देते हैं, एलडीएल को भी कम कर देते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देते हैं, तीनों प्रकार के उसको टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी एलडीएल को भी एचडीएल को। ठीक है, वो तो हो गया पुफा का काम। अब हमारा आ जाता है मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारा आता है मेन आता है ओलिव ऑयल, पर बदकिस्मती से हमारे भारत में हमें ओलिव ऑयल प्रॉपर नहीं मिलता है क्योंकि ओलिव ऑयल जो अच्छा है वर्जिन ऑयल जो ग्रीन कलर का होना चाहिए तो पीले रंग के आ रहे हैं, वो सारी गड़बड़ है। पामिस ऑयल है वो तो बिल्कुल बेकार है। तो इस तरह के जो तेल, एक तो रेट बड़े ज़्यादा हैं और वो क्योंकि कमर्शियल हो गया लोग वो बाहर से, क्योंकि हमारे भारत में तो ओलिव है नहीं, ओलिव ऑयल तो बाहर से आ रहा है, वो उन्होंने अपना डिस्कार्डेड प्रोडक्ट जो है भारत को हम उसको ले लेते हैं क्योंकि उसके गुण बहुत हैं। अच्छे वाला अगर डायरेक्ट आपको आए वे तो गुणकारी है,
क्योंकि बेसिक डिफरेंस ही आपने इतना बड़ा बहुत बड़ा ग्रीन होता है, हाँ, उसका कलर जो है कलर ही नहीं वो वाला मिल रहा है हमें। तो ये जो पॉमी सॉइल वगैरह जो चले हुए हैं ये तो खतरनाक हो गए हुए हैं, बल्कि नुकसान करते हैं ये। जिस कार डेट जैसे हम कहते हैं ना पेट्रोल है, एक तो हवाई जहाज में डालने वाला, उसके नीचे वाला कार में, उसके नीचे वाला जो है डीजल, ये तो गंदे, वो गंदे से गंदे वाला है वो हमारे ऑलिव ऑयल का वो पार्ट हमारे भारत में बिक रहा है अक्सर स्टोर्स पे, और रेट भी बहुत ज्यादा है, और आजकल वो बड़े बड़े स्टोर्स पे वो बड़े डाउन रेट्स पे बेच रहे हैं, ऐसा चल रहा है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि जो हमारे उसको ऑयल्स के ऊपर, मैंने अब इंटरनेट पे पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने पामिस ऑयल के बारे में दिया था, और दैट इज़ ए वेरी गुड इन्फॉर्मेशन गिवन बाय सम अमेरिकन किसी ने उसमें वेबसाइट पे डाला हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा मैसेज मुझे मिला कि इंटरनेट से मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई अब जो सबसे नीचे जो तेल आ जाता है आपका, जो मैं बता रहा था कि आपके ऑलिव ऑयल्स के साथ साथ हमारा जो मूँगफली का तेल है ये प्योर वाला ले, रिफाइंड नहीं, मूँगफली का तेल भी प्योर ले पूरा, मतलब उसका भी वो भी इसलिए मुफा में आता है, मुफा में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें हमारा सरसों का तेल सबसे अच्छा, तो मैं कहता हूँ मस्टर्ड ऑयल लीजिए, चाहे हैफेड का लें, मार्कफेड का लें, जो भी है, जो भी बेस्ट मतलब जो है वो हमारा भारत में उगते वाले, भारत में रहते हैं, तो हमारा सरसों का तेल हमारा मुफा है, मुफा में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये भी कच्ची घाने का तेल लें तो बड़ा अच्छा है, रिफाइंड ना लें, रिफाइंड के नुकसान होते हैं। तो ये तो हमारे जो है वो तेल के बारे में बताया मैंने। उसके बाद मैंने बताया कि हमारा जो है ट्राइग्लिसरीड्स होते हैं, वो जो है हमारे क्या है जो अनकुक्ड चीनी होती है ना हमारी, जैसे हम बार बार चीनी चाय में चीनी डाल के ले जा रहे हैं, बार बार चीनी वाले है ना, उससे ट्राइग्लिसरीड्स जो है वो बढ़ते हैं, वो भी बीमारियों के कारण है। तो ट्राइग्लिसरीड्स को भी कम रखना है हमने, तो इसलिए हमारी जो डाइट है उसमें हमें बड़ा ध्यान रखना होगा कि हमारी अपनी स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, अनवांटेड कैंडीज ना खाएं, ये फास्ट फूड चले हुए हैं, पिज्जा बर्गर जंक फूड है, आजकल मोमोज चले हुए हैं, पता है कितना खतरनाक है हमारे, ये कैंसर है, आंतरियों का कैंसर, इनवाइट करना हो तो मोमोज खाइए, क्योंकि कच्चा होता है बिल्कुल, मैदा जो है कच्चा मैदा तो वहाँ पे पूरी देर बना के जम जाता है। हमारे जो इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो आम रस का बहुत बड़ा सोर्स है, तो मैदा प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, मैदा प्रोडक्ट्स जो हमारी आज की लाइफ स्टाइल में, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन करेंगी, कॉन्स्टिपेशन होगी तो बीमारियों का जन्म होगा। तो जितने भी फास्ट फूड हैं, जैसे आजकल हम ज़्यादा तले हुए पकौड़ा और पूड़ी, ये समोसे, ये स्नैक्स के टाइम पे हम, इसी से मोटापा हो रहा है, तो हमें जो है ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, जो हमारी जो फीस्ट है उसमें क्या करते हैं हम, जो आजकल वो जो क्या कहते हैं यीस्ट डाला हुआ है, तो उन चीज़ों का भी नुकसान होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो डाइट में जो है वो अमेंडमेंट करें, तो आज के जो ऐसी जो है तो वो जो है वो उसको जो डाइट है हमारी दैट इज़ द मेन। फिर हमारे उसके साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग करें, आप सुबह भी सैर करने जाएं, शाम को भी सैर करें, है ना। उसके बाद जो आप ऑक्सीजन, मैंने बताया सूरज निकलने के बाद सैर करें, रात को सनसेट से पहले सैर करें, ठीक है, सूरज की जब तक रोशनी हो तो उस टाइम पे सैर करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो है हमारे जो है प्राणायाम करें, शरीर के लिए बड़ा ज़रूरी है, प्राणायाम करें, अपना जो है आपकी वो आसन करें, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो हाँ, एरोबिक मैं कहता हूँ कि हमें जो है जो जिम की आजकल एक्सरसाइज चली हुई है, या उसके ऊपर ट्रेडमिल के ऊपर, कई बार गोडों की पेंस ले लेते हैं हम उससे, क्योंकि हम उसमें वो जंपिंग उसके हार्ड जगह पे नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो कच्ची जगह है ना उसमें सैर करें, जिसमें कि आप जो है जंपिंग करते हैं, अगर हार्ड होगा तो आपके जॉइंट पेंस कई बार हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जो डाइट में ध्यान रखें, एक्सरसाइज रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आयुर्वेद में हेल्थ के बारे में क्या कहा है कि सम दोष है सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ स्थिति भी देते। जब तक हमारी आत्मा मन प्रसन्न नहीं है तो हम सब कुछ हमारे वो हम हेल्दी नहीं है। तो आत्मा मन के लिए क्या जरूरी है, मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब क्या है, इट इज़ ए टू वे कन्वर्सेशन विद गॉड, परमात्मा के साथ आप मिलान, योग करते हैं आप, योग का नाम मेडिटेशन है, मीन्स राजयोग, अपने इंद्रियों को पर राज्य करना। तो राजयोग सीखें कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर के, उसका मेडिटेशन अगर आप सीख जाते हैं तो आपके जो है थॉट्स ठीक हो जाते हैं, आपकी टीम ठीक हो जाएगी। टीम का मतलब क्या होता है, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड एंड मेमोरीज। हमारी बीमारियां आज क्यों हो रही हैं कि हमने नेगेटिविटीज़ पा रखी हैं, नेगेटिविटीज से हमारे हार्ट में जो है प्रॉब्लम हो जाती है। और एक मैं थोड़ा सा अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है, मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि हमारा जो फूड है उसके साथ हमारा हाई फाइबर लो फैट बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट, उससे आज के युग में हम हेल्थी रह सकते हैं। तो आज वेस्ट को देख रहे हैं कि वो मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स वेजिटेरियन, हम भारत में देखते हैं कि लोग नॉन वेज खाए जा रहे हैं, तो नॉन वेज से जो है हमारे एक तो वो हजम नहीं होता। उसमें मैं बेसिक मोटा सा डिफरेंस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बनतर है हमारे शरीर की, वो हमारी आंतरियों का साइज है 25 फीट। अब वो जो एनिमल्स हैं जो वेजिटेरियन नहीं है, जो मतलब नॉन वेज हैं एनिमल्स, उनकी साइज है 4 फीट का 5 फीट का, तो उनका साइज छोटा है। और उससे क्या होगा कि हमारा जो है हमारी आंतरियां बनी तो ही हैं 25 फीट के हिसाब से, अगर हमने नॉन वेज खा लिया तो वो जो इंडस्ट्रियल वो 25 फीट के फर्मेंटेशन करता रहेगा, वो पेट पे पूरी तरह वो जो है वो गैस पैदा करेगा,
क्योंकि उसकी इतने लंबे पीरियड को उसको चाहिए नहीं, उसके लिए 4 फुट की एंट्री चाहिए, आंतरी चाहिए थी, परंतु हमारी तो 24 फुट की है। तो उससे जो है वो नॉन वेज वहाँ पर काफ़ी देर वो पिट्रीफाई करता है, फर्मेंट करता है। एक कारण तो ये है कि हमें वो नहीं खाना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारी जो है सलाइव, जो हमारी सेक्रीशंस है ना, जो वेजिटेरियंस वालों के लिए जो सेक्रीशंस होती है, नॉन वेज वाले की जो है सेक्रीशंस ज़्यादा होती हैं हमारे सलाइवा किसके, क्योंकि आंतरियों में हमारे जो है उतनी सेक्रीशंस नहीं होती उसको डाइजेस्ट करने वाली। तो नॉन वेज वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, उनको कुदरत वाले ने काफ़ी सारे जो है ऐसे एंजाइम्स दे रखे हैं जिसको वो मीट को डाइजेस्ट कर पाते हैं, हमारे अंदर तो ऐसी बनता ही नहीं है। तो इसलिए इन कारणों से हमारी जो दांतों की स्ट्रक्चर, हमारा जैसे चाहे हम गल्फ करके भोजन करते हैं, हम उसको टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, है ना, जैसे पानी पीने, जैसे एनिमल को देखा जवान से ऐसे करके लप लप करके पानी पीने, हमारी जो है वो हम तो पानी पीने का स्टाइल डिफरेंट है। तो अगर आप उन एनिमल्स का भी कंपेरिजन करें तो हम हर्बीवर्स हैं, ह्यूमन बींग आज नॉट मेंट फॉर दैट। तो इस कारणों से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोचें तो ये वेजिटेरियन डाइट। इसी तरह से हमारे नस्ल के बारे में बड़ी गलत धारणा है, हम कहते हैं ये कोलेस्ट्रोल कम करता है, ये करता है, वो करता है। तो इनके चीज़ों, जिसको हम प्याज और लहसुन को काटते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या अंदर जाकर के वो सेक्रीशंस तेज नहीं करेगा? आज अमेरिकन स्टडी है, हमारे भारत की नहीं है, अमेरिकन स्टडी है, उन्होंने एसोसिएशन ने पूरा किया है कि जब हमारे दिल की बीमारियाँ होती हैं तो उसका जो पहला जख्म होता है, आप देखिए ना हार्ट प्रॉब्लम कैसे होती है, हार्ट प्रॉब्लम कैसे होती है, जैसे एक मकान है, ये मकान में अब बरसात हुई, ओले पड़े हैं वहाँ पे, अब वहाँ पे क्रैक आ गया है, तो आपको उस क्रैक को भरने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट। सीमेंटिंग करेंगे तो रिपेयर होगी ना। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपने स्ट्रेस हो गया आपको, या टेंशन होगी, या आपने कोई इरिटेटिंग लहसुन जैसी चीज़ें खाई हुई हैं, तमोप्रधान भोजन कहते हैं हम इसको, ये क्या करता है, कट कर देता है आर्टरीज के बीच में, छोटा सा वो जख्म सा कर देता है। फिर उसकी रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, सीमेंट जैसा, वो वहाँ पे रिपेयर करना शुरू कर देता है, तो सारा एलडीएल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ब्लॉकेज का काज है प्लाक फॉर्मेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रूट बनता है, पहला जख्म जो करता है, हर्ट करता है जो आर्टरी को, वो लहसुन ही करता है। फिर बाद में वो कोलेस्ट्रोल, हम कहते हैं कोलेस्ट्रोल को कम तो टेम्परेरी होएगा ही ना, जब आप उसको खाएंगे तो वो तो उसको जमा रहा है, लहसुन खाएंगे तो वो तो इरीटेट कर रहा है उसको, कोलेस्ट्रोल भी वहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो आपकी जो सर्कुलेशन में से जा करके वहाँ तक क्लॉट बना रहा है, आपको लगता है कि शायद मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है। अल्टीमेटली क्या है, इन चीज़ों से इससे अच्छा है अपना जीरा, अजवाइन, जो हमारी जो आयुर्वेद में जो बातें लिखी हुई हैं उनको अगर हम सेवन करें तो हम बहुत सारी भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं। सात्विक जीवन होना चाहिए हमारा, रहन सहन, सोच विचार, ये सभी चीज़ें जो हैं सभी को कंक्लूड करके हम अगर अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जिए तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज की हम जो है लाइफस्टाइल डिजीज से हम छुटकारा नहीं पा सकते। तो लिसनर्स, मेरे हिसाब से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचने के लिए ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। अगर आज हम ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएंगे, ऐसा खानपान अपनाएंगे, तो कल आने वाली बीमारियों से हम आज ही बच जाएंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए। हाँ जी।